कर लिए बेतरबिया, अब रोज खेल होगा। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। ये लो रिटायरमेंट का 14 लाख रुपया तोरे नाम लो। भाग गई ना सब लेके। उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो। दो दिन के अंदर मैं इस संग कांड करेंगे ना, तुम सब सोचा भी नहीं होगा। भाभी जी, जब आपको पता था कि वो लड़की ऐसन है, तब हमरा ओका से बियाह काहे करवाए? फेकन जी, हमको थोड़ी ना पता था वो लड़की ऐसे निकलेगी, पैसा के लिए इतना गिर जाएगी। देखने से तो बहुत संस्कारी लग रही थी, अब हम लोग थोड़ी जान रहे थे कि ऐसा निकलेगी। अब जो हो गया सो हो गया, क्या करेगा फेकन? क्या करेंगे? अरे वो हमें 14 लाख रुपया लेकर भागी है। साला हमको तो लगता है कि ये सब कराने में तुम्हें दोनों प्राणी के हाथ है। 14 लाख लेके भाग गए? हाँ, देखना अब ये तो बैंक से मैसेज गिरा है, देख क्या। हे भगवान, अब हमारे तीर्थ जाने का सपना सपने रह गया, अब हम कैसे तीर्थ घूमेंगे फेकन? रे फुलझड़िया, रे राम रूपा, रे ओरतिया, हमरा देख के हंस रही थी। अरे मतलब तुमको लाइन मार रही थी, आज पट जाएगी वो। चल जल्दी चल। हाँ चल पीछा करते। बेबीज आई लव यू। गाड़ी स्टार्ट कर। हाँ बैठ, गाड़ी स्टार्ट कर। बैठ, गोरहता। अरे एगो नया पल्सर नहीं लिया जाता है? अरे ले लेंगे राम। माल बहुत मस्त है और तुमको लाइन भी दे रही है, आज कोई भी हालत में नंबर दे देना भाई। हो भाई हो। भगाओ भगाओ भैया, यहीं पे रोक दीजिएगा। रोक दे रहे हैं। रामरूप, रुकी का है लारे? रुकी है? अरे तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ जाके नंबर दे दो और प्रपोज मार दो। ना रामरूप, कहीं पति उती होगा तो हमको मार और खिला देगी। अरे उसका पति नहीं है। तोरा कैसे पता रे? ऐसी हम 55 के उम्र में भी जवान मौगी रख ले हैं। उसका मांग में सिंदूर है? नो। उसका गला में मंगलसूत्र है? नो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि बेचारी विधवा। कुमारी भी तो हो सकती है रे। अरे हो सकता है कि उसको तुम्हारे जैसा नौजवान हैंडसम 70 साल के 60 साल वही 60 साल के नवयुवक आज तक मिला ही ना हो? हो सकता है। हो सकता है तो जाओ ना, प्रपोज करो और नंबर दे दो अपना। पहले नंबर लिख लेते हैं। लिखो। क्या नंबर लिखा है? 99032 तमाम 036। हाँ, पर्सनल नंबर है। जाओ जाओ जाके दे दो। बेस्ट ऑफ लक। रामदेव, हमारा से नहीं होगा रे, हमारा करिया तक तक कर रहा है, हमारा बदले तू 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 ही जाकर दे देना है। डर कथी के ले रहा है, जाओ ना। अरे हिम्मत से जाओ, मेहनत से खाओ।
हो पाएगा हमरा से ले ले लेना। अब तू ही प्रपोज करके अब मेरा नंबर दे देना, तोरा बहुत एक्सपीरियंस ना है इस समय। जो ना ठीक है, जो ना दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता। अरे दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर है। हाँ तो जो ना, जो ना, जो ना। ठीक है जाते हैं। हेलो एक्सक्यूज मी ब्यूटीफुल सेक्सी वंडरफुल गॉर्जियस लेडीज। क्या है? मेरा दोस्त आपसे प्यार करता है, अपना नंबर दिया है। मैं ये सब फालतू काम नहीं करती हूँ। सुनिए जी, जा करके अपने दोस्त से कह दीजिए कि हिम्मत है तो खुद आकर के कहे। अभी कह देते हैं। ए रामरूप, माना कर दी कि नहीं यार ता? माना नहीं की ता? लेकिन हाँ भी नहीं बोली। इतना देर से क्या बोल रही थी? बोल रही थी कि अगर तुम्हारे दोस्त में हिम्मत है तो खुद आकर बोले। अरे रामरूप, तू बोका चौदा है कि वो लड़की फेकन भाई पर फिदा है। वो चाहती है फेकन अपना मुंह सोखड़ा जाके बोले। जो दोस्त, तू अपना मुंह सोखड़ा बोल के आ। जो लेकिन रामरूप कर जा, मेरा धक धक कर रहा है। अरे टेंशन नहीं लो, हमको भी अब समझ में आया, लड़की यही चाह रही है। तुम प्रपोज करो अपना मुंह से, लो और नंबर दे देना। हाँ। जाओ रिलैक्स। हाँ, हिम्मत मान के जा रहे हैं। यस यस, फेकन यू कैन डू इट। जो 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 फेकन, बेस्ट ऑफ लक। I love you. आप हमसे शादी कीजिएगा। शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है। कोई बात नहीं है, हम आपके सारे दुख तकलीफ को अपने नाम कर लेंगे। जितने भी दुख तकलीफ है ना, सबको अपने नाम कर लेंगे। बस आप हमसे शादी कर लीजिए। ठीक है जी, आई लव यू टू, कर लेंगे शादी। लेकिन एक मेरा शर्त है। क्या? कान इधर लाइए ना। अरे आप चिंता काहे करते हैं, अभी हम जवान हैं, सब कुछ होगा। तो ठीक है, चलिए अब ये चटमंगनी पट ब्याह कर लेते हैं। चलिए ये रामरूप मान गए। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू रामरूप, थैंक यू। हट, गाड़ी घुमा दे, थोड़ा सा दूर हो जाइए। अरे यार उठा उठा उठा। अरे दोस्त, साला बुढ़ारी आ गया है ना रे। अरे गाड़ी घुमा दे। हर जो हर जो हर जो। ए ए ए दोनों गरीब से उतरता काहे? पहले उतर ना तू, उतर उतर। इले 20 रुपया, इले तू 20 रुपया, ऑटो पकड़ के आ जाना। मैडम आप आइए बैठिए, आइए बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए। हाँ ठीक है, पकड़ लीजिए कस के। हाँ साला फेकना, लड़की के चलते दोस्त सबको भूल जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन अब दोस्त शादीशुदा होने वाला है। चंदन के माँ, ए चंदन के माँ, देखी कर लिए ना तीसरा शादी, बड़ा तुम मजाक उड़ाई थी ना। ये हमारी पत्नी है, ये हमारा मोटका बेटा है, वो हमारा पुतो है। आप इस सबसे मुंह नहीं लगाइएगा, बहुत घटिया किस्म के आदमी है। ए बुढ़ऊ, जितना उड़ना है उड़ लो, घूम फिर के एक दिन मेरे ही पास आओगे ना, उस दिन बताएंगे। चलिए रूम में। ये हुआ आपका रूम। माला उला उतार लीजिए।
तनका इधर आइए ना। तनका सबर कीजिए, वो का है ना कि हमारे मायके से कुछ लोग आने वाले हैं। अच्छा, आपके मायके से लोग आने वाले हैं? जी। कब तक आएंगे? बस जो लेट है सो है, लगता है आ गया। मम्मी 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 मम्मी। अरे मेरे बच्चा, ये तुम्हारे मायके पापा है। तुम कहे नहीं बोली कि तुम्हारा दुगो बाल बच्चा भी है? बताए तो थे कि हमारे जीवन में बहुत दुख दर्द है, यही मेरा दुख दर्द है, इसको पालना मुश्किल हो गया है। तो हम क्या करें? क्या करें? आप बोले थे ना कि तुम्हारा सारा दुख दर्द अपने नाम कर लेंगे, तो अब से ये दोनों इसी घर में हम सब के साथ रहेगा। हम नहीं पालेंगे इसको, जो पैदा किया है उसके पास जाकर छोड़ दो। उसके पास छोड़ना रहता तो आपसे ब्याह क्यों करते? इसका मतलब तुमको हमसे प्यार नहीं था, तुम अपना फायदा के लिए हमसे ब्याह की हो? और नहीं तो क्या, तुम जैसा बुढ़ा से ब्याह ही कौन करेगा? चलो दफा हो जाओ हमारे घर से। ऐसे कैसे दफा हो जाए, तुम हमसे ब्याह किए हो ना, अब हम अपने बाल बच्चा के साथ यहीं पे रहेंगे। बाप की बथान समझ लियो कि सब यहीं रहेगा। चलो निकलो निकलो हमारे घर से। पापा पापा मम्मी का मत मारिए। रे साला, तोर पापा हम कब से हो गए रे? हां निकल निकल हमारे यहां से, निकल निकल। जा रहे हो बुढ़ा तुम पर केस करने, कहोगे कि शादी के झांसा दे करके मेरे साथ गलत किया है। हां जा, जो जो करना होगा करना, बस निकलो हमारे घर से, निकलो। सोचे थे ना कि आज तुमको दूधू को भाई फ्री में मिल जाएगा। हाँ मम्मी, हम डर गए थे कहीं संपत्ति के तीन हिस्सा ना लग जाए। हो गलो बेटा, हो गलो गईलो मुराद कहीं के। चलो निजु अंदर चलो। फेकान, रे फेकान, अरे बाहर निकल, रे फेकना। क्या हुआ सरपंच जी? आई थाना पुलिस हमरा घर पर लेकर कहा लाए हैं? पहले बैठे की व्यवस्था कर तब ना बताएंगे। हाँ आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए आइए आइए बैठिए। हाँ सरपंच जी, अब बताइए क्या हुआ है? सीधा सीधा बोल रहे हैं, तुम रामरूप के कन्या को वापस करेगा कि नहीं करेगा? हम कहां से वापस करें रामरूप के कन्या को? वैसे हुआ क्या है शीला भाभी के? फेकन हमर शीला के वापस कर दे, हम उसे बहुत प्यार करते हैं, हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे, हम तुम्हारा पैर पर हैं फेकन। अरे नहीं है शीला हमरे पास, तो हम कहां से वापस करें रामरूप? झूठ ना बोल फेकान, दरोगा जी यहीं अभी कह के गर्दा उड़वा देंगे। ए मुखिया जी, हमारा ही गर्दा उड़वा दीजिएगा, दरोगा जी बिना साबुत के कुछ नहीं कर पाएंगे। बिना साबुत के हम क्या कर पाएंगे, लेकिन अगर पैसा दीजिएगा ना तो गर्दा उड़ा देंगे लेके हम। जी देखिए प्रूफ, कल रात में फेकान हमारे बीबी को क्या मैसेज किया है बोल के सुनिए। भाभी जी, वो रामरूप के साथ क्या दुख भरी जिंदगी चाय के दुकान पर काट रही है। अरे आइए मेरे यहाँ, पेंशन 60,000 मिलता है, मौज कराएंगे खूब, दिल्ली बम्बई घुमाएंगे खूब। झूठ है, मैसेज करवे नहीं किए। दरोगा जी, अगर घर के छानबीन करिए तो लाया होगा तो अंदर ना छुपा के रखा होगा। हवलदार सर, तलाशी लो घर का। ओके सर। सर, हाँ इधर आइए ना। आ रहे हैं। क्या है बोलो सर? ये देखिए। ए, बाहर आइए बाहर आइए। चलिए चलिए बाहर। ये लीजिए मुखिया जी, साला इसको पलंग के नीचे घुसा लेता। फेकान, तूने दोस्ती का अच्छा सिला दिया। साला हम तुमको सिखाए कि बुढ़ारी में मजा कैसे करना है, मस्ती कैसे करना है, और तुम हमरा कन्या के साथ मजा करने लगा।
रामरूप तोहर कन्या के साथ कुछ नहीं किए, बस एक बार चुम्मा लिए। बस एक बार चुम्मा लिए है? अरे साला एक बार चुम्मा ले ही लिया तो बचा क्या? दरोगा जी इसको गिरफ्तार कीजिए, इस साला को गिरफ्तार कीजिए और ऐसा ऐसा केस डालिए कि साला 5 साल नहीं नहीं 10 साल नहीं 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 20 साल। अरे भाग गल आई। हाँ भाग गल आई, 20 साल तक जेल से बाहर ना निकल पाए। रामरूप जी आप चिंता नहीं कीजिए, हम इसके ऊपर अपहरण का केस लगाएंगे। अपहरण का माफ कर दे रामरूप, हमारे तो बहुत बड़ा गलती हो गया रामरूप, आज से जिंदगी में ऐसी गलती कहीं नहीं करेंगे रामरूप, माफ कर दे। हाँ दरोगा जी माफ कर दीजिए, अब से ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन जेल मत ले जाइए। ठीक है दरोगा जी छोड़ दीजिए, फेकान तुमको तुम्हारी कन्या के कारण छोड़ रहे हैं, नहीं तो तुमको अंदर डलवा के ही मानते। और आप कैसे औरत है जी, फेकनो आपके साथ इतना गलत किया फिर भी आप इसके लिए रो रही हैं। क्या कीजिएगा मुखिया जी, कैसा भी है तो मेरा पति ना। बात तो सही कह रहे हैं। ए दरोगा जी छोड़िए रह दीजिए, चलिए चलिए छोड़ दीजिए। माफ कर दो चंदन बेटा, हमसे ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं है पापा। माफ कर दो चंदन के मम्मी। ना ना चंदन के पापा, पैर मत पकड़िए, हमसे बहुत बार का गलती हो गया। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए ना तो उसको भूला नहीं कहते चंदन के पापा। हम अपने आप को माफ नहीं कर सकते हैं चंदन के मम्मी। तुम मत रो, चुप रहो, तुम चुप रहो, चलो रूम में। मतलब कि बाहर गर्मी बहुत, रूम में चलो पंखा में। तब चलिए, तब चलिए, चलिए। कौन है?